अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जोरों पर है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। ऐसे में एक सवाल था कि आखिर रामलला के मंदिर में रामलला के किस रूप की पूजा होगी और प्रतिमा किससे होगी। अगर ट्रस्ट के दावों पर यकीन करें तो अयोध्या, जो कि भगवान राम की जन्मभूमि है, जहां हर घर एक मंदिर और हर मंदिर एक घर है, लेकिन फिर भी भगवान के बाल स्वरूप की प्रतिमा किसी भी मंदिर या घर में नहीं है। ऐसे में जो भगवान रामलला की जन्मभूमि है, जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाएगी, जिसकी प्रतिमा के निर्माण के लिए आप ये देख सकते हैं कि अयोध्या के राम सेवकपुरम में नेपाल की गंडक नदी से लाई हुई शिलाएँ शालिग्राम शिला यहाँ पर पहुँच चुकी है, जिसका पूजन अर्चन भव्य तरीके से हो रहा है। पूरी अयोध्या जो राममय है, इसमें यहाँ का जो माहौल है वो अपने आराध्य भगवान रामलला के इस शिला के रूप में देख रही है कि उनकी प्रतिमा इस शिला से निर्मित होगी। ये शिलाएँ महज एक शिलाएँ नहीं, बल्कि एक धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु साक्षात शालिग्राम के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। नेपाल और भारत, जिसका एक धार्मिक और राजनीतिक महत्व रहा है, एक राजनीतिक संबंध रहा है, अगर कहा जाए कि शिलाएँ महज एक शिला नहीं, भगवान रामलला के मूर्ति के निर्माण की शिला नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के संबंधों की भी एक पटकथा लिखेगी। अरविंद गुप्ता, News24 अयोध्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।